ओ बिचारू नाला आरू नाला अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपके शुक्रगुजार हैं सर, आपने यहाँ पे आके जो कवर अप किया हमारी ये खुशी की मूवमेंट को कैच किया सर, हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। एक्चुअली यहाँ पे हमें पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब फायरिंग होती थी, जो गोलाबारी में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं दोनों सरकारों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमें मौका दिया खुशी मनाने का। हमारी ज़मीनें हमारे फसल आधे बिल्कुल बॉर्डर में, तो हम बड़ा लॉस होता था हमें, हमारी फसल जो थी वो हम काट नहीं पाते थे। तो अभी खुशी से चलो हम अपना फसल का काम भी कर रहे हैं और शादियां हो रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते थे उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, तो मतलब छुप के किया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे हमें घर वाले। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना काम भी करते हैं और घर से बाहर भी जाते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं और स्टडी उनकी चल रही है। पहले बड़ा लॉस हुआ उनका जब फायरिंग होती थी, घर से बाहर निकलने नहीं देते थे उनको, तो आज सब कुछ ठीक हो रहा है। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ सरकारों का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बड़ा अच्छी बात है यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अमन शांति के ना सिस्टम जो है वो अच्छा चल रहा है। बाकी जो है अमन शांति नहीं है तो समझो सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है हम सुकून से रह रहे हैं, रात को भी दिन को भी आराम से गुजार रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया जो इधर आए इस टाइम इधर आकर हमारे सागरा में ये जो लिया है प्रोग्राम, ये सागरा में आकर लिया है। पहले इधर कौन मीडिया थी, कौन कुछ था, कुछ भी नहीं था, तो परेशानी थी बहुत बड़ी सख्त, अब बहुत अच्छा है। पहले गोलाबारी उनसे स्कूल से जा सकते, कारोबार इनसे निकल सकते, हम इंशाल्लाह स्कूल ही जाने आराम है ना पढ़ने एकदम। और शुक्रगुजार हैं जो मुल्ख ना के अमन सलामती और सेज़ फायर हुआ आया, तो हम स्कूल भी जाने। Thank you.